हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बिना अंडे का ऑमलेट। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल ऑमलेट जैसा, बट इसमें अंडा नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा वेज ऑमलेट भी इसे कह सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट लगेगा। तो ये देखिए, मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1/3 कप मैंने मैदा लिया है, और 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 2 हरी मिर्च और धनिया पत्ती, और 1 बड़ा कटा प्याज चॉपर में लिया है मैंने। अब इन सबको हम लोग बाउल में डाल देंगे। इस तरह से आप भी बाउल में डाल दीजिए सबको। मैंने मैदा और बेसन डाल दिया है। अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी डाल दी हूँ 1 चम्मच, नमक भी डाल दी हूँ मैं 1 चम्मच, और अब इस इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना बने एक भी। तो बहुत अच्छे से इसे आप मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम लोग पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और बिल्कुल ऑमलेट जैसा ही बैटर तैयार करेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल ऑमलेट की कंसिस्टेंसी जैसी होती है पतली सी, वैसी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी देनी है। तो ये देखिए, मैं पानी डाले जा रही हूँ, और इसमें मैंने टोटल 250 ml पानी डाला है फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से आपको मिलाना है, और जब ये बैटर रेडी हो जाए तब इसमें हम लोग प्याज, मिर्च और धनिया पत्ती डालेंगे। मैंने 3 बड़े चम्मच धनिया पत्ती को धो के अच्छे से काट लिया है, और 2 हरी मिर्च दिया है। आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप हरी मिर्च और दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने डाल दिया फ्रेंड्स। आप अगर इसमें और कोई मसाला डालते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, बट ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा प्लेन बना रही हूँ। प्याज भी मैं इसमें डाल दी हूँ, और हमारा ऑमलेट अब बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इन सबको फिर हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। प्याज इसमें डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा और इसमें पानी डाला है मैंने। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत गाढ़ी है। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ऑमलेट तो बहुत पतली होती है, तो हम लोग को इसमें और पानी ऐड करना होगा बिकॉज़ ये अभी बहुत गाढ़ी है। सो हम लोग ये मिला रहे हैं पानी। ये देखिए, अच्छे से मिलाएगा ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और कोई भी कमेंट हो, कुछ भी सजेस्ट करना हो या कोई भी फरमाइश हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो करने का पूरा कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। सो ये देखिए, हमारा बैटर जो है ऑमलेट की बहुत ही सुंदर सी रेडी हो चुकी है। अब मैंने तवा गर्म कर लिया है, और इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों तेल डाला है। आप चाहें तो इसमें कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तो आमलेट की जो बैटर तैयार हो गया है, जब ये तवा पूरा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग डालेंगे। बिल्कुल ऑमलेट जैसे बनाते हैं हम लोग, ऐज वैसा ही बनाएंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है, और बिल्कुल ऑमलेट के जैसा ही इसे तवे पे फैलाएंगे। ये ऑमलेट के जैसा ही बनेगा फ्रेंड, बिल्कुल ऑमलेट का टेस्ट आएगा, और ऑमलेट के जैसा फूला फूला भी होगा, और बबल्स भी इसमें आएंगे जैसे ऑमलेट में आते हैं। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल टेस्टी सा सुंदर सा दिख रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी सा है ये। तो इस तरह से आप इसे बना लीजिए, पलट भी लीजिए इसे। जब एक तरफ से सिक जाए अच्छे से, देखिए बबल इसके दिख रहे हैं ना आपको, जब ये सिक जाए तो इसे उलट दीजिए। ये बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड्स ऑमलेट के जैसा, इसलिए ये बीच में थोड़ा सा टूट गया है, बट नो प्रॉब्लम, आप इसे अच्छे से सेक लीजिए। आप थोड़ा मोटी बनाएंगे तो ये नहीं टूटेगी, मैं थोड़ा पतली बनाई हूँ तो आप इस तरह से कर लीजिए अच्छे से। जब ये दोनों तरफ से सिक जाए फ्रेंड्स, तो आप इसे सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए, मेरा रेडी हो चुका है ऑमलेट, और मैंने इसे सर्व के लिए निकाल दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ऑमलेट के जैसा। ऑमलेट जितना सॉफ्ट होता है बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट है। इसका टेक्सचर और लुक भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऑमलेट के जैसा ही है।
तो है ना बहुत सुंदर सा हमारा ऑमलेट रेडी। तो ये मैंने दूसरा भी देखिए बना लिया है और इसे मैं पलट दूंगी। ये हमारा नहीं टूटा है बिकॉज मैंने इसे थोड़ा सा अच्छे से अंदर पकाया है। इसमें मैं थोड़ा आधा चम्मच और तेल डालूंगी ताकि दूसरी तरफ से ये बहुत अच्छे से और सिक जाए। तो हमारा ये भी ऑमलेट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स और इन्जॉय कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड